इलेक्शन का सीजन आ चुका है और मैं आपको अब कुछ ऐसे बेस्ट पॉलिटिशियंस के नाम बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपको इस इलेक्शन में वोट जरूर करना चाहिए। पहले आते हैं सनी देओल। भाई कितने बढ़िया एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं। इनकी गदर 2 ने रिलीज होने के बाद 500 करोड़ का बिजनेस करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बंगाल में अगर आप हो तो दीपक अधिकारी को वोट कर दो, कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी, ब्लॉकबस्टर फिल्में देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिल्म करियर का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, लगना भी चाहिए क्योंकि मैं आपसे अभी मजाक कर रहा था। लेकिन अगर सीरियसली देखो तो ये मजाक कहीं हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। अगर सेलिब्रिटीज को उनके करियर की वजह से टिकट और वोट नहीं मिलते हैं तो भैया पार्टीज इन्हें टिकट क्यों दे रही हैं और लोग इन्हें वोट क्यों दे रहे हैं? तो इसका मतलब इनके नॉर्मल करियर से इनके पॉलिटिकल करियर का लेना देना तो जरूर है। ये इतने ज्यादा फेमस रहते हैं, इनकी फैन फॉलोइंग रहती है, इसीलिए तो इनको टिकट मिलते हैं। वरना हेमा मालिनी जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है, वो मथुरा से टिकट लेके कैसे जीत रही है? शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहार से आते हैं और पहले वहीं से एमपी थे, आज के टाइम पर ये बंगाल से कैसे जीत रहे हैं, वो भी 3 लाख वोट के मार्जिन से, और जिन कैंडिडेट को हरा के जीते वो तो वहीं की लोकल थी। यानी कि ये तो क्लियर है कि टिकट और वोट्स दोनों फेस वैल्यू पर मिल रहे हैं। इलेक्ट होने के बाद सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस को अगर आप देखें, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रहती। ऑन एन एवरेज ज्यादातर तो बेयर मिनिमम चीजें भी नहीं करते, यानी लोकसभा में इनकी अटेंडेंस भी इनफ नहीं होती है। बाकी काम करने की बात तो आप बात के लिए छोड़ दो। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिन्होंने पॉलिटिक्स को एक फुल टाइम प्रोफेशन की तरह बनाया, जैसे स्मृति ईरानी, भगवंत मान, और सदन भारत से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज आपको दिखेंगे। इनके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी देखते हैं उन सेलिब्रिटीज के बारे में जिनके लिए पॉलिटिक्स एक पार्ट टाइम नौकरी की तरह है। Film stars and celebrities have hit the campaign trail, this time from Kiran Kher to Bappi Lahiri to Bhaichung Bhutia. But the question is, do they make good netas? कभी आप राजनीति में दोबारा जाएंगे? नहीं, कभी नहीं जाएंगे। जब तक वो फिल्म की बातें भूलेंगे नहीं और जमीन की बातें याद नहीं करेंगे, तब तक उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं हो सकती। इससे पहले हम सेलेब पॉलिटिशियन के बारे में देखें, मैं थोड़ा सा कुछ कमेंट्स को एड्रेस करना चाहता हूँ। मेरे दांतों को ध्यान से देखो, इसमें आपको स्टेन्स दिखेंगे। कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं कि ये रजनीगंधा खाने से हुआ है, लेकिन इसका असली रीजन है फ्लोरोसिस, पानी में फ्लोरीन ज्यादा होने से ही हो जाता है। इसके अलावा मुझे मेरे दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े भी फील हो रहे थे। मुझे लगता था दांतों के अलाइनमेंट का इशू सिर्फ अपीयरेंस को इफेक्ट करता है, लेकिन दांतों के डॉक्टर ने बताया कि टेढ़े मेढ़े दांत या जो गैप दांत होते हैं, इसकी वजह से प्रॉपर बाइट नहीं बनती, खाना फंसता है, और ओवर द टाइम पायरिया और टूथ लॉस भी हो सकता है। अलाइनमेंट इशू की वजह से दांतों में सड़न और स्टेन्स भी हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करवा लूं, बट मैं बनाता हूं वीडियो, मुझे ब्रेसेस नहीं पहनने थे, और तभी मुझे पता चला टीथ अलाइनर्स बाय टूथसी के बारे में। टूथसी टीथ अलाइनर्स आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करता है और दांतों के बीच के गैप को भी बंद कर देता है ऑलमोस्ट 8 से 10 महीनों के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह कि अलाइनर्स इनविजिबल और रिमूवेबल हैं, तो ना तो ये दिखते हैं, ना ही मेटल ब्रेसेस की तरह आपको खाने के समय कोई दिक्कत होती। इनफैक्ट अभी मैंने पहन रखे, बट आप फील नहीं कर पा रहे होंगे। अलाइनर्स बनवाने का प्रोसेस भी काफी सिंपल है, बस टूथसी ऐप को डाउनलोड करो और एक फ्री टीथ स्कैन बुक करो। ये स्कैन आपके घर पे या इनके एक्सपीरियंस सेंटर में भी आप करवा सकते हो और कुछ ही दिनों में आपके कस्टमाइज अलाइनर्स बनके तैयार हो जाएंगे। 2.5 लाख से भी ज्यादा स्माइल्स डिजाइन किए टूथसी ने, तो रिजल्ट यहां पर गारंटीड है। तो अगर आप भी अपने टीथ अलाइनमेंट इश्यूज को फिक्स करना चाहते हैं कॉन्फिडेंट स्माइल के लिए या फिर ओरल हेल्थ के लिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां पर आप क्लिक करके बुक कर सकते हैं एक फ्री टीथ स्कैन विद टूथसी। ट्रस्ट मी गाइस, ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, सो डोंट मिस आउट। देखो, पॉलिटिक्स में जो सेलिब्रिटी आते हैं वो सिर्फ फिल्म स्टार नहीं है, बल्कि क्रिकेटर, सिंगर, कॉमेडियन, हर वैरायटी के सेलिब्रिटी आपको यहां पर दिख जाएंगे। लेकिन इनमें से कुछ सेलेब्स ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ते हैं कि उन्हें अपने करियर में कोई इश्यूज आ रहे हैं। जैसे गोविंदा 2004 में ये भी लोकसभा एमपी बन गए थे, क्योंकि उस टाइम पर इनका करियर कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा था। 2007 में सलमान खान के साथ इनकी पार्टनर मूवी चल पड़ी तो इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। Finally, he's a member of parliament, but no one from his constituency has ever seen him there. So now the people of actor Govinda's constituency in Mumbai have declared a 1 crore rupee reward for anyone. फिर कुछ ऐसे सेलेब्स आते हैं जिन्हें लगता है कि भाई जितना करियर चलना था चल गया है, अब कुछ और काम करना चाहिए, और इसके लिए वो पॉलिटिक्स को चूज कर लेते हैं। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा अपने टाइम पर सुपरस्टार थे, लेकिन 90s के बाद जब इनका रेलेवेंस कम हुआ तो इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। I'm certainly not in the bracket of those actors who just come to draw the crowd, present themselves as stars, and people do come to see them. They will see them and go back. But turning crowds into votes, which fortunately I have been able to do in the past, last elections. शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना करियर 1992 में राजेश खन्ना के अगेंस्ट लड़ा था, जिसमें वो 25,000 वोटों से हार गए थे, और उस टाइम पर इन दोनों ही स्टार्स के बीच में एक बड़ी राइवलरी बनी थी। पटना से तो वो कभी भी जीत सकते हैं, मजा तो तब आया कि दिल्ली से जीते। मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा कि भाई मजे के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, कि जीत कर दुनिया की सेवा करना चाहते हैं, अपने लोगों की, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं कि उन्हें सर्व करना चाहते हैं, उनकी देखभाल करना चाहते हैं, या मजे के लिए? मजा तो तब है कि जब दिल्ली से जीते। You have to do it from here.
फिर 96 में जब एमपी बने तो वाजपेयी कैबिनेट में इनको हिस्सा भी मिला। Saw the presence of Union Health Minister Shatrughan Sinha along with senior UNDP officials. 2009 और 2014 के इलेक्शन भी ये जीते थे, लेकिन फिर 2019 में जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो पहले कांग्रेस ज्वाइन करी, फिर 2022 में टीएमसी का टिकट लिया और एक बाई इलेक्शन जीत के लोकसभा पहुंच गए। हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, मनोज तिवारी, बहुत सारे आपको ऐसे सेलेब्स इस तरह की कैटेगरी में दिख जाएंगे। फिर आते हैं वो पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स में आए तो थे कुछ बड़ा बदलाव लाने, लेकिन जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट आया तो समझ गए कि भैया रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा डिफरेंस होता है। इसमें अमिताभ बच्चन आ सकते हैं। अपना करियर इनका पीक पर था 1984 में, इलाहाबाद से इलेक्शन लड़े थे, जीते भी थे, लेकिन जल्द ही इन्हें रियलाइज हो गया कि भैया पॉलिटिक्स करना इनके बस की बात नहीं है। एक वजह, बहुत सी और वजह थी, लेकिन एक वजह जिसकी वजह से मैंने राजनीति छोड़ी वो ये थी कि कहीं ना कहीं एक कलाकार होने के नाते मुझे लग रहा था कि 30-35 साल जो है मैंने जनता से कहा कि देखो भाई मैं एक कलाकार हूं, मुझे देखो, मेरी प्रशंसा करो, मेरे काम को देखो, मेरी सराहना करो, मुझसे प्यार करो। और जब ये देखा कि वो मुझसे प्यार कर रहे हैं, मेरी सराहना कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि अब आप मेरी राजनीति के साथ भी प्यार कीजिए और सराहना कीजिए उसकी। तो मुझे कहीं लगा कि ये राजेश खन्ना के साथ भी यही हुआ। 91 का इलेक्शन ये लड़े एलके आडवाणी के अगेंस्ट, 1500 वोट से हारे थे बस। The very fact after I lost last time and I was still in the constituency working for my people for the last 5.5 months to 6 months is an answer to itself why I want to be an MP. It's not for winning or losing, but it is with my people, for the people, by the people. लेकिन बाद में जब आडवाणी जी ने रिजाइन किया तो उनकी सीट से बाई इलेक्शन में लड़े और वो शत्रुघ्न सिन्हा वाला जो केस है उन्हें हरा कर ये एमपी बन गए थे। लेकिन एक ही टर्म में इनका भी पॉलिटिक्स से मन उठ गया। गौतम गंभीर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। 2019 में इस दिल्ली से इलेक्ट होकर आए थे और साथ ही साथ अपना कमेंट्री करियर, कोचिंग करियर सब चला रहे थे। इसी की वजह से कई सारे लोग इन्हें पार्ट टाइम एमपी कहते थे। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने कुछ काम जरूर किया है, लेकिन शायद पार्टी पॉलिटिक्स से भी हार मान चुके हैं और अब अगला इलेक्शन शायद ये नहीं लड़ेंगे। प्रकाश राज का भी एग्जाम्पल इसी लिस्ट में आएगा। काफी टाइम से सोशियो पोलिटिकल इशूज पर बहुत वोकल थे, उन्होंने बहुत सारे इश्यूज पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इनकी जो क्लिप्स थी वो बड़ी वायरल होती थी सोशल मीडिया पर। दिस अ वेरी स्ट्रेट ब्लेटेंट अटैक ऑन फ्री एक्सप्रेशन, लेट्स नॉट मिंस वर्ड्स एट ऑल। लेकिन शायद उन्हें लगता था कि अब पावर हाथ में लेने से ही कुछ काम चलेगा, इसीलिए 2019 के इलेक्शन में उतर गए, लेकिन सिर्फ 28,000 वोट इन्हें मिले। इनमें से आप ज्यादातर पॉलिटिशियन नोटिस करोगे अपना काम जो था वो करते जा रहे थे, पॉलिटिक्स को एक पार्ट टाइम की तरह देख रहे थे। तो कुछ बुरी तरह हार गए, कुछ जीते तो बड़ी जल्दी इनका मन इससे हट गया। लेकिन फिर आते हैं वो सेलिब्रिटीज जो फुल टाइम पॉलिटिशियन बनते हैं, जिसे पता होता है कि चेंज टेक्स टाइम। इन सेलिब्रिटीज को आप पैराशूट पॉलिटिशियन नहीं कह सकते। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेंगे स्मृति ईरानी, भगवंत मान या सदन भारत में अगर आप देखें MGR जिन्होंने AIADMK बनाई, CM बने और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हमेशा के लिए इन्होंने एक चेंज ला दिया, या फिर जयललिता भी एक टाइम पर बहुत बड़ी सुपरस्टार थी, इन्हें क्वीन ऑफ तमिल सिनेमा कहा जाता था। ये बाद में जाकर 14 साल तक तमिलनाडु की CM रहती। और सदन भारत में अगर आप देखेंगे आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। लेकिन हम उन सब के बारे में बात करें उससे पहले ये देखना है कि जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस होते हैं इनकी कहानी क्या है। देखो, सबसे पहली बात है कि पॉलिटिक्स करना हर आदमी के बस की बात होती नहीं है। इसमें स्पोर्ट्स की तरह कोई रूल तो होते नहीं है, ना ही फिल्म इंडस्ट्री की तरह PR मशीनरी काम करती है कि कोई भी मूवी फ्लॉप हो रही है तो उसको एकदम दिखा दो कि नहीं नहीं पैसे आ रहे हैं, सीट भर रही है और उसको हिट करवा दो। यहाँ पर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है और पॉलिटिक्स में चुप रहकर अपना काम करने वाली अप्रोच भी नहीं चलती। यहाँ आपको बताना पड़ेगा, मीडिया और लोगों को रेगुलरली फेस करना पड़ेगा और आपसे जनता अकाउंटेबिलिटी मांगेगी। और क्योंकि पॉलिटिशियंस हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं इसलिए उनकी स्क्रूटनी भी ज्यादा होती है, अलग अलग टाइप के पर्सनल अटैक भी उन पे किए जाते हैं, इसीलिए बिना थिक स्किन डेवलप किए यहाँ पर सर्वाइव कर पाना इम्पॉसिबल है। और शायद इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उनके पास पेशेंस कितना है। कुछ सेलिब्रिटीज बहुत ही ज्यादा चार्ज अप होते हैं, सोचते हैं कि हम अपनी सोशल मीडिया एक्टिविज्म के जरिए पार्लियामेंट तक चले जाएंगे, पर पार्लियामेंट कोई इको चेंबर तो है नहीं और ना ही सारे MPs इनके फैन हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो अगर आप बैट्समैन हो तो बॉल सिर्फ बॉलर नहीं फेंक रहा है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो आपका खड़ा हुआ दूसरा बैट्समैन है वो भी आपको बॉल करा के आउट कर सकता है। तो इन सारी चीजों का इन्हें ध्यान रखना होता है और इसीलिए इवेंचुअली जो सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस बनते हैं वो फेल हो जाते हैं। और इसके कुछ छोटे छोटे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन हो सकता है कि पैराशूट पॉलिटिशियन बन के जो आते हैं। पैराशूट पॉलिटिशियन का मतलब होता है कि कैंडिडेट वहां से बिलोंग नहीं करता है, रहता वो कहीं और है, लेकिन क्योंकि वो पूरे भारत में फेमस है इसलिए उसको कहीं से भी टिकट देके पार्टियां चुनाव लड़वा देती हैं। इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि ना तो उस सेलिब्रिटी को वहां के कल्चर का पता होता है, ना ही वहां की लैंग्वेज पता होते हैं, ना तौर तरीके पता होते हैं, और ना ही वो जनता से कनेक्ट कर पाता है, ना ही वो वहां की प्रॉब्लम समझ पाता है,
सॉल्व तो क्या ही करेगा। पार्टी में भी एरिया के जो लीडर होते हैं वो भी इनसे खौर खा जाते हैं कि भैया इतने साल से हम काम कर रहे थे, अब इनको टिकट मिल गया है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा न्यूज आई थी, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को आसनसोल बंगाल का टिकट दे दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है। पवन सिंह को बीजेपी ने बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया है। फिर न्यूज आने के बाद ट्रोलिंग शुरू हुई तो पता चला कि इनके गानों में तो बंगाली वीमेन को लेकर बड़ी सारी बातें कही गई हैं, क्योंकि भोजपुरी से आते थे और वहां के गाने बनाते थे। फिर इन्होंने अपना नाम खुद ही वापस ले लिया। शुरू में आपने शत्रुघ्न सिन्हा का एग्जाम्पल देखा, टीएमसी उन्हें बिहार से लेकर आई और बंगाल में इलेक्शन लड़वा दिया। हेमा मालिनी का एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह जो कि जाट है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन टिकट इन्हें साउथ दिल्ली की मिली थी। सिमिलरली मनोज तिवारी यूपी में पैदा हुए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे थे ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। ऑल्दो ये बोलते हैं कि ये वहां पर पूर्वांचली पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए मुझे टिकट मिली, मगर आप खुद ही सोचो अगर वो बिहार में सुपरस्टार हैं तो टेक्निकली वहां रहकर अगर काम करते तो ज्यादा काम ना कर पाते। वहां उनकी इन्फ्लुएंस ज्यादा होती, सुनी भी ज्यादा जाती, और सबसे बड़ी बात है जो वहां के लोकल इश्यूज हैं वो ज्यादा अच्छे से उनको समझते हैं ना, क्योंकि उन्होंने पर्सनली वहां पे ग्रो अप करके वो सारी चीजें फेस करी हुई हैं। एक्चुअली जो सेलिब्रिटीज हैं उनको इतनी आसानी से टिकट इसलिए मिल जाता है क्योंकि इनकी फेस वैल्यू पूरे देश में होती है, उनकी पार्टी या आइडियोलॉजी इतनी मैटर नहीं करती, इसीलिए सेलिब्रिटीज बड़ी इजीली पार्टी भी बदलते रहते हैं। सिद्धू इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। हाँ अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। इनकी तो पार्टियां बदल जाती हैं लेकिन शेर वही रह जाते हैं। अब किसी भी सेलेब को पार्टी में ज्वाइन कराने से पार्टी वालों को सिर्फ एक सीट नहीं दिखती है, वो देखते हैं कि ये सेलिब्रिटी पूरे भारत में पॉपुलर है, अगर ये हमारी पार्टी में आएगा तो इसके जितने भी फैन है अलग अलग सीट्स पर वो हमारे कैंडिडेट्स को ही ज्यादा वोट करेंगे। सोच के देखो अगर सलमान खान कल के दिन किसी की पार्टी को ज्वाइन कर ले तो जो लोग भाई के फैन है वो पूरे भारत में उसी पार्टी को वोट करेंगे, कहेंगे भैया हमारे भाई इस पार्टी में। लेकिन इसमें सेलिब्रिटीज का नुकसान ये होता है कि वो बस एक क्राउड पुलर बन के रह जाते हैं। इसके अलावा ये सेलिब्रिटीज पॉलिटिक्स के साथ साथ अपना जो दूसरा करियर है ना उसको चालू रखते हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। पॉलिटिक्स देखो एक फुल टाइम वर्क है, अगर आप कोई एमपी बनते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज इसे एक हमेशा पार्ट टाइम प्रोफेशन बना के रखना चाहते हैं। ये लोग शायद पॉलिटिक्स में सिर्फ पावर या पहुंच के लिए आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है पैसा और नाम तो इनके पास ऑलरेडी होता है, तो पॉलिटिक्स में आने का और तो कोई सेंस बनता नहीं है, या फिर ये अपने नॉर्मल करियर से थोड़ा बोर हो जाते हैं तो सोचते हैं चलो एक पार्ट टाइम प्रोजेक्ट की तरह पॉलिटिक्स शुरू करते हैं, थोड़ा मजा आएगा। आप सनी देओल जी का एग्जांपल देखो, इनका फर्स्ट प्रेफरेंस अपना फिल्म करियर है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने अपने पीए को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया था अपने रीजन में, और रीजन ये दिया था कि भैया मैं काम के सिलसिले में ट्रैवल करता रहता हूं तो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव है वो देखता रहता है, तो भैया उसी को टिकट दिलवा के खड़ा करवा देते, आपकी क्या ही जरूरत थी अगर आपका सारा काम ग्राउंड पर वो इंसान कर रहा है। और किसी भी एमपी की पार्लियामेंट में अगर आप परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हो तो मेनली चार चीजें देखनी होती है, पार्लियामेंट की अटेंडेंस, कितने डिबेट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, कितने उन्होंने क्वेश्चन पूछे, और कितने बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस करे। सनी देओल जी की परफॉर्मेंस को देखते हैं, 21% अटेंडेंस है, जबकि जो एवरेज एमपी की अटेंडेंस होती है वो 80% आती है। इनका टोटल नंबर ऑफ डिबेट देखो जीरो आता है, नेशनल एवरेज है 46 का। क्वेश्चन भी इन्होंने टोटल चार पूछे, जबकि ऑन एन एवरेज एमपी 210 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इन्होंने एक भी मेंबर बिल को नहीं इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ही कुछ केस हेमा मालिनी जी की परफॉर्मेंस में भी आपको दिखता है, वो भी बहुत कुछ खास नहीं रही। अपनी जीत पर दोबारा पूरा भरोसा है? भरोसा है क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विद मी, सो मेनी रोड्स एंड सो मेनी थिंग्स आई हैव डन व्हिच आई जस्ट डोंट रिकॉग्नाइज राइट नाउ। 2019 में टीएमसी से दो बंगाली एक्ट्रेस भी चुनकर आई थी, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां। ये दोनों ही यंग एक्ट्रेस थी और इसीलिए उस टाइम पर बहुत हेडलाइन बनाती थी, सोशल मीडिया पर भी बड़ी इनकी पॉपुलैरिटी थी। लेकिन परफॉर्मेंस देखो, मिमी चक्रवर्ती की अटेंडेंस है 21%, डिबेट्स है 7 और क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं 161। नुसरत जहां की अटेंडेंस है 23%, 12 डिबेट में पार्टिसिपेट किया और सिर्फ 147 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। गौतम गंभीर जो यूजुअली कमेंट्री करते हुए आपको नजर आते हैं, कोचिंग करते हुए आईपीएल में दिखते हैं, लेकिन लोकसभा में इनकी अटेंडेंस फिर भी बढ़िया है, 61% अटेंडेंस है, लेकिन सिर्फ 3 डिबेट में इन्होंने पार्टिसिपेट कराया, 97 ही क्वेश्चन पूछ पाए हैं। गौतम गंभीर एक प्राइवेट बिल लेकर आए थे जो काफी अच्छा बिल था, मेडिकल प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट जो इतनी हिंसा होती, मारपीट होती है, उससे प्रोटेक्शन दिलाने के लिए एक लॉ इन्होंने बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी भी ये बिल पेंडिंग है। इंटेंशन अच्छा है तो इसलिए इनको थोड़े मार्क्स आप दे सकते हो। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जो 2022 में बाई इलेक्शन के थ्रू लोकसभा पहुंचे, अगर
आप इनको देखो, इनके ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। इनकी अटेंडेंस तो 63% रही है, लेकिन 0 डिबेट्स हैं, 0 क्वेश्चन है और 0 बिल लेकर आए। जबकि सिन्हा साहब तो पिछले 30 साल से पॉलिटिक्स में, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस तो और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, मगर वो दिखता नहीं है। बिहार के एक सुपरस्टार है निरहुआ, ये भी 2022 में इलेक्ट होकर एमपी बने थे। अटेंडेंस 90% है, लेकिन बाकी कैटेगरीज में देखो तो बस यही याद आता है, बैगन। दिल्ली से हंसराज हंस भी एमपी इलेक्ट हुए थे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस भी काफी खराब रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे जो पॉलिटिशियन हैं इन्होंने कुछ भी करने की कोशिश नहीं करी या बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लिया। जैसे कि अगर आप गौतम गंभीर को देखो, इन्होंने एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन जैसे मैंने कहा था, पैराशूट पॉलिटिशियंस को उनकी पार्टी के लोग ही पसंद नहीं करते। एक लोकल बीजेपी लीडर ने ही इसमें टांग अड़ा दी। जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हमने दिया वो मेरा विजन था, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी दिल्ली में कभी हुआ होगा। और हम करना चाहते थे 10 कम्युनिटी किचन और 10 लाइब्रेरी, जहाँ पर हमने वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बनाई थी। ऑपोजिशन ने कुछ नहीं किया, खुद के लोगों ने हमारे यहाँ पर MHA में लेटर लिखा कि एक MP कूड़े घर को अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा। आज 80 लाख रुपए लगे थे मेरे अपनी जेब से, आज हमारे को वो हैंड ओवर करनी पड़ी है MCD को, और आज आप जाके देख सकते हैं वो 80 करोड़ 80 लाख रुपए किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। मिमी चक्रवर्ती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और बाद में उन्हें रिजाइन भी करना पड़ा। She had differences with the local leadership of the party, now submitted her resignation as member of parliament to Mamata Banerjee. हालांकि कुछ सेलेब पॉलिटिशियन ऐसे भी हैं जिनकी इन सारे फैक्टर्स पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। इनमें से ज्यादातर वही सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपना करियर छोड़कर फुल टाइम पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया। इससे पता चलता है कि वो पॉलिटिक्स को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है और उनका इंटेंशन उनके एक्शन में दिखाई देता है। स्मृति ईरानी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होंगी। इन्होंने 2003 में बीजेपी ज्वाइन करी थी, 2004 में लोकसभा इलेक्शन लड़े, लेकिन कपिल सिब्बल के अगेंस्ट हार गई थी। और उसके बाद आयरोनिकली इसका ब्लेम इन्होंने मोदी जी पर डाला था। 12 दिसंबर 2004 की दोपहर सूरत में स्मृति ईरानी ने कहा, दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बने रहना शर्मनाक है, और अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से आमरण अनशन पर बैठूंगी। जी, ये मेरा था स्टेटमेंट। लेकिन इसके बाद इन्होंने माफी भी मांग ली थी। मेरे संगठन ने मुझसे कहा कि आप अगर प्रोपोगंडा की विक्टिम बनना चाहती हैं, अगर आप सत्य क्या है उसे नहीं देखना चाहती हैं, तो आप जो कहती हैं उस पर आप कायम रहें, और अगर आपको सत्य के आधार पर संगठन में जुड़े रहना है तो आप तथ्य देखिए गुजरात दंगों के बारे में और फिर कोई निर्णय लीजिए। और तब से कंटिन्यूअसली ये पॉलिटिक्स में काम करती गई और 2014 में मोदी की कैबिनेट में इन्हें HRD मिनिस्टर बनाया गया। ऐसे ही 1997 में विनोद खन्ना, जो बीजेपी की गुरदासपुर सीट से इलेक्ट हुए थे, जहां से आजकल सनी देओल आते हैं, इसके बाद ये वाजपेयी कैबिनेट में एक्सटर्नल अफेयर के जूनियर मिनिस्टर भी बने। विनोद खन्ना 2014 तक इस सीट पर MP थे और वो इकलौते ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने लगातार 4 बार लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल करी। भगवंत मान भी इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अपने कॉमेडी करियर को उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया और फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ गए। पहले MP बने और आज के टाइम पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी, जिनकी पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस नेशनल एवरेज से काफी बेटर दिखाई देती है, बस डिबेट में थोड़ा सा पीछे रह गए। बाकी जो भी सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस हैं उनके कंपैरिजन में अगर देखें, इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखाई देती है, और इसीलिए शायद इन्हें सेम सीट से दोबारा इनकी पार्टी ने टिकट भी दे दिया। अरे भाई, एक रुमाल देना मनीष। देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं ना, मुझे बहुत गर्व है। इसके अलावा आते हैं रवि किशन। अगर अटेंडेंस को छोड़ दो तो बाकी सारी कैटेगरीज में ये टॉप पर आते हैं। 10 बिल इंट्रोड्यूस करे इन्होंने अकेले, और ये बिल्स भी बड़े बोल्ड थे। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, संस्कृत यूनिवर्सिटी, मतलब इंटरेस्ट दिख रहा है इनका। ये शायद ऐसे इकलौते पॉलिटिशियन होंगे जो अपना करियर और पॉलिटिक्स दोनों में इक्वली काम कर रहे हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में भेजेंगे कि आपके कैदियों को यहाँ उत्तर प्रदेश भेजिए, हम सुधारेंगे, उनको वापस भेजेंगे। इसको कहते हैं प्रोग्रेस। ये कुछ आप एक्सेप्शन कैटेगरी मान सकते हो। अब मैं सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस की इतनी बुराई कर रहा हूँ तो मुझे एक अच्छी बात बतानी चाहिए। देखो, ये ऑलरेडी रिच और फेमस तो होते हैं, इसलिए ये फेम के लिए पॉलिटिक्स में तो नहीं आते। अगर मेरा सेल्फ इंटरेस्ट से बंगलो मिला ही नहीं आपको? मेरे को तो मिला ही 3-3.5 साल बाद। हाँ। मैंने मांगा भी ना, मैं रहता भी नहीं हुआ। इमेजिन, मैं रहता भी नहीं, और मैंने मतलब, और मुझे ये Everybody was like, why doesn't he like, that's the first thing that people do. आप ये बिलीव करो, मुझे ये भी नहीं बड़ा पता वो कौन सी क्लास का बंगलो है। हाँ। 5 टाइप 5 है, 6 है, मेरे को बाद में पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है कि 5 टाइप 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, पता नहीं और कहां तक होता है, आई हैव नो क्लू। इस हिसाब से ये उन सीजनड पॉलिटिशियन से तो बहुत बेटर है जो करप्ट है या फिर सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए ही पॉलिटिक्स में आते हैं। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो
खड़ी करनी है। इसके अलावा MPs को ना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च करने के लिए एक फंड मिलता है जिसे बोलते हैं MP-LAD फंड। अगर आप डेटा देखो तो इस फंड के मामले में जो सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस हैं ये बाकी सारे पॉलिटिशियंस से बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो पैसा मिलता है वो खर्च कर देते हैं। वीडियो में अभी तक हमने नॉर्दर्न सेलेब पॉलिटिशियंस की बहुत बात करी, लेकिन अब बात करते हैं सदर्न भारत में जो सेलेब पॉलिटिशियंस बनते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिखेंगे जिन्होंने पॉलिटिक्स को अपना फुल टाइम करियर बनाया और इवेंचुअली एक सीजनड पॉलिटिशियन भी बन गए। MGR और जयललिता के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दोनों ही पॉलिटिक्स में आने से पहले बहुत बड़े सुपरस्टार थे और बाद में इन्होंने तमिलनाडु पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी तरह अगर आप तेलुगु इंडस्ट्री में देखें तो सुपरस्टार NTR ने 1982 में अपनी खुद की तेलुगु देशम पार्टी शुरू करी थी। इसके बाद वो 3 बार चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद इन्होंने 2-3 मूवीज करी थी, लेकिन मेनली इनका फोकस पॉलिटिक्स पर ही था। इनफैक्ट NTR ने ही कैंपेनिंग के लिए रथ यात्रा निकालने का भी ट्रेंड शुरू किया था, और आजकल जो MLAs की हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए उन्हें रिजॉर्ट में ले जाया जाता है, इसकी भी शुरुआत सबसे पहले इन्होंने ही करी थी। RRR के जो एक्टर है जूनियर NTR वो इन्हीं के ग्रैंडसन है, और आज भी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की एक प्रोमिनेंट पार्टीज में आती है। इसके अलावा तेलुगु इंडस्ट्री के ही एक स्टार है पवन कल्याण, ये भी 2014 से अपनी खुद की पार्टी जनसेना इन्होंने शुरू करी थी। इससे पहले वो चिरंजीवी की पार्टी में थे जो कि खुद एक सुपरस्टार है। पवन कल्याण भी जब पॉलिटिक्स में आए थे इन्होंने अनाउंस करा था कि मैं अपनी सारी मूवीज की जो कमिटमेंट है वो कंप्लीट कर दूंगा और 2017 से मैं फुल टाइम सिर्फ पॉलिटिक्स पर ही ध्यान दूंगा, और इसके बाद उन्होंने ऐसे ही किया। बीच में जो सरकार के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट और रैलीज भी वहां पे ऑर्गेनाइज करी। 2018 में अगर आप कमल हसन को देखो वो भी अपनी खुद की पार्टी MNM शुरू करते हैं। इसके बाद 2019 के इलेक्शन में 37 सीट्स पर इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और ये अपनी पार्टी को लेकर लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। The reason why I'm doing Big Boss and other films is to finance a party. MNM 2024 के इलेक्शन में DMK के साथ इलेक्शन लड़ेगी और कमल हसन खुद 39 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर कैंपेन भी करने वाले हैं। इसके अलावा एक्टर थालापति विजय ये खुद की पार्टी TV के अनाउंस कर चुके हैं, जो 2026 के जो तमिलनाडु के इलेक्शन है उसको लड़ेगी। इन्होंने कहा था पॉलिटिक्स में आना मेरे लिए कोई हॉबी वाली बात नहीं है, मेरी जो मूवीज होंगी कंप्लीट कर दूंगा, फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा। ये सारे सेलेब पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स को एक पार्ट टाइम प्रोजेक्ट की तरह नहीं देख रहे बल्कि फुल टाइम कमिटमेंट देने के लिए इसमें तैयार। इन्होंने पैराशूट पॉलिटिशियंस बनकर इलेक्शन नहीं लड़े, ये अपने होम स्टेट से इलेक्शन लड़ते हैं, जिन इश्यूज को ये जानते हैं, समझते हैं, जो इश्यूज इन्होंने खुद देखे उसके लिए ये वहां पर बात करते हैं, ग्राउंड पर मूवमेंट चलाते हैं, और इसीलिए जनता इनसे ज्यादा कनेक्ट करती है। और इवेंचुअली जब ये पॉलिटिशियंस भी बनते हैं तो इसीलिए ज्यादा सीरियस पॉलिटिशियन बन पाते हैं। इस वीडियो की शुरुआत वैसे तो मैंने एक सार्कास्टिक क्वेश्चन के साथ करी थी कि आपको किसको वोट करना चाहिए मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है इस क्वेश्चन को अब सीरियसली भी एड्रेस कर देना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के यानी लोकल इलेक्शन से, जो आपका मेयर बनता है, जो आपका लोकल पार्षद बनता है। ये लोग किसी भी पार्टी से आते हो हमें मतलब नहीं है, मैं ये देखता हूं कि ये इंसान क्या मेरे लोकल इश्यूज को सॉल्व कर पाएगा, या फिर जैसे कुणाल कामरा करता है कि मेरे घर के आगे गू पड़ा है इसे साफ करवा दो। अरे ब्रो मेरे घर के बाहर गू है, कवर्ड है। तो ये काम आपके लोकल कॉर्पोरेटर का, आपके मेयर का होता है। तो यहां पर मैं कहता हूं कि ऐसे इंसान को सिलेक्ट करो जो आपके लोकल एरिया में सबसे ज्यादा ध्यान दे सके, जिसको वहां के इश्यूज पता हो। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपके जो स्टेट इलेक्शन होता है, असेंबली का इलेक्शन। यहां पर मैं उस चीज को देखता हूं कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो मेरे स्टेट के लिए ओवरऑल अच्छी है, क्योंकि यहां पर जो भी विधायक बनता है आपके लोकल लेवल पर शायद वो आपके घर के बाहर का गू ना साफ करे, लेकिन स्टेट की पॉलिसी में उसका बहुत बड़ा से होता है। तो यहां पर जनरली मैं पार्टी के बेसिस पर वोट करता हूं, क्योंकि जो भी पार्टी सेलेक्ट होकर स्टेट में सरकार बनाएगी वो पार्टी का क्या विजन है मेरे स्टेट को लेकर, मैं उस बात पर उस पार्टी को वोट करता हूं। और यही सेम चीज मैं नेशनल लेवल पर भी देखता हूं। जब MP के इलेक्शन होते हैं तो जो MP होता है वो आपके घर के बाहर का गू नहीं साफ कर पाता, वो नेशनल लेवल की पॉलिसी बनाता है, वो नेशनली और इंटरनेशनली हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है वो सरकार। तो मैं यहां पर भी देखता हूं कि वो कौन सी पार्टी होगी जो नेशनल लेवल की पॉलिसी में जो उसका विजन है वो सबसे अच्छा है हमारे देश के लिए। तो जब बात वोटिंग की आती है तो मैं कुछ इसी तरह से अपना डिसीजन बनाता हूं। आप कैसे बनाते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और हाँ टूथसी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना फॉर देयर इनविजिबल टीथ अलाइनर। अपना फ्री टीथ स्कैन बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ उस पर क्लिक कर लेना। टूथसी अलाइनर टेढ़े मेढ़े दांतों को बिल्कुल ब्रेसेस की तरह सीधा कर देता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।